नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आशु और आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ मटन करी डिलीशियस स्पाइसी अनियन टमाटो ग्रेवी में, जूसी, सकलेंट और टेंडर मीट। ये रेसिपी मैंने सीखी अपने सिस्टर इन लॉ से। अगर कोई उनके हाथ का मटन खा ले तो कभी भूल ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच इंदू भाभी ये रेसिपी मुझे सिखाने के लिए। मटन करी को डिलीशियस बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ एक ही ट्रिक है। जब भी आप मटन करी को बनाते हैं तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखें कि इसे आप लो हीट पर बनाएं या दम स्टाइल पर बनाएं, जिससे मटन के पीसेस बहुत ही मॉइस्ट, टेंडर और जूसी बनेंगे। और दूसरी बात, जब भी आप मटन खरीदते हैं तब ध्यान रखें कि मटन के पीसेस थोड़े से पिंकिश और थोड़े से फर्म हो, जिससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही जूसी मटन बनेगा। और अगर आप डार्क रेड लेते हैं या रिंकल्ड मटन पीसेस लेते हैं तो वो मटन थोड़ा हार्ड बनेगा। मटन को करेंगे हम दही में मैरिनेट, जिससे मटन हार्ड नहीं होगा। तो अगर आप इन सब पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आपकी मटन करी भी उतनी ही डिलीशियस बनेगी। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मटन करी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, जिसे मैंने छील कर भिगो कर रखा हुआ है हाफ एन आवर के लिए, ताकि प्याज का तीखा फ्लेवर भी निकल जाए और प्याज को काटते टाइम आँखों में आंसू भी ना आए। नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, ड्राइड रेड चिली, लौंग, साबुत काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, कसूरी मेथी, साबुत धनिया, घी, टमाटर, हरी मिर्च, दही और स्टार ऑफ द शो मटन। और क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो अब मटन बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, मैरिनेट द मटन। एक बोल में डालेंगे वॉश्ड मटन, फॉलोड बाय लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ऐड करेंगे दही स्मूथ करके। और हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एटलीस्ट 1 आवर के लिए साइड में रख देंगे। स्टेप 2, प्रिपेयरिंग द मसाला। कुकर में डालेंगे देसी घी। घी गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता, ड्राइड रेड चिली, दालचीनी, साबुत काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची। स्टर करेंगे जब तक इनका फ्लेवर रिलीज हो जाए। अब ऐड करेंगे रफली चॉप्ड प्याज। इसे भूनेंगे मीडियम हीट पर जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे और अब इसे फिर से भूनेंगे जब तक कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए या अनियन कैरामलाइज हो जाए। परफेक्ट। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मिक्सी में डालेंगे रफली चॉप्ड टमाटर, हरी मिर्च और हमारा भुना हुआ प्याज का मसाला, जिसमें सारे खड़े मसाले भी हैं, और इन्हें मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाएंगे। स्टेप 3, मेकिंग द करी मसाला। अब कुकर में डालेंगे फिर से देसी घी। घी गर्म हो जाए तो ऐड करेंगे तेज पत्ता, ड्राइड रेड चिली, दालचीनी, साबुत काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, साबुत धनिया और स्टर करेंगे। अब ऐड करेंगे प्याज टमाटर का पेस्ट और मीडियम हीट पर इसे स्टर करेंगे। ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला। मिक्स करेंगे अच्छे से। मीडियम हीट पर 4 से 5 मिनट मसाले को भूनेंगे और अब ऐड करेंगे मैरिनेटेड मटन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक मीडियम हीट पर भूनेंगे इसे और अब 10 से 15 मिनट तक ढककर लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 15 मिनट के बाद खोलकर स्टर करेंगे। हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी और गरम मसाला मिक्स करेंगे। और अब फिर से मटन को कुक करने के लिए लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब खोलकर चेक करेंगे। ग्रेवी में से घी निकल आया, आप देख सकते हैं। इट मीन्स मसाला परफेक्ट कुक हो गया है। मटन भी चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। अब मसाला थिक है, इसलिए इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 कप पानी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब मटन को 2 विसल लगवाएंगे। 2 विसल आने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर का प्रेशर अपने आप निकल जाए तब कुकर खोलेंगे। यम्मी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मटन करी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। घी परफेक्ट निकल आया है और मटन भी पूरी तरह से कुक हो गया। परफेक्ट जूसी, टेंडर, यम्मी एंड डिलीशियस मटन। और इसकी खुशबू से एक्चुअली मेरा घर महक गया है। ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत ही डिलीशियस बना है। डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, ट्राई इट योर सेल्फ। यम। अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो इसकी पिक्स मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टैग करके जरूर भेजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।